देखो लास्ट डे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हमें इसमें BFS और DFS इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? तो पहले हम BFS को देखते हैं कैसे होगा। एक बार रिवाइज करा दो, BFS में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्यू। यानी BFS में हमें एक क्यू की मदद से करना होगा। सिमिलरली DFS में जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा स्टैक। बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं। पहले BFS देखते हैं। देखो ये दो बातें यहाँ हैं। पहली बात तो ये जो डायग्राम है ग्राफ का, वो ग्राफ अनडायरेक्टेड है, ठीक है? यहाँ पे किसी भी एज में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, इतने पोर्शन को, अगर मैं ये कहता हूँ ए का एडजेसेंट नोड डी होगा, तो सिमिलरली डी का एडजेसेंट नोड ए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एक डायरेक्शन होता, मान लो ये वाला, तो हम कहते हैं ए का एडजेसेंट डी है, बट डी के लिए अगर हम सोचते हैं कि डी का एडजेसेंट ए है या नहीं, तो वो फॉल्स होता है। डी का एडजेसेंट ए नहीं है, क्योंकि यहाँ एरो डायरेक्शन बता रहा है। इस वाले केस में हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, तो ए डी का एडजेसेंट है और डी ए का एडजेसेंट है। चलो बी एफ एस में हमें करना क्या होता है, एक क्यू बनाएंगे। मान लेते हैं ये हमारा क्यू है, इस क्यू में हम बारी बारी से एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है? आप इस ए बी सी डी ई एफ जी एच में से किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप ए से ही स्टार्ट करो, ठीक है? आप कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हो। मैंने ए पॉइंट लिया है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? आप ये ज्यूम कर सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें करना क्या है कि जिस नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस नोड को क्यू में इंसर्ट करेंगे, देन उस नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनको फिर से क्यू में इंसर्ट करेंगे, और वन बाय वन हम क्यू को एलिमेंट को रिमूव करते जाएंगे, ठीक है? क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो फर्स्ट आया है वही फर्स्ट बाहर निकलेगा। चलो हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने क्या किया, इस ए को क्यू में इंसर्ट किया, तो ए यहाँ आ गया। देन हमें क्या करना है, इस ए के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उन सभी को इस क्यू में इंसर्ट करना है। तो इन ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन होगा, डी होगा, ई होगा और बी होगा। अब आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, डी को पहले लिख सकते हो, ई को पहले लिख सकते हो, या बी को भी पहले लिख सकते हो। हम एक ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो ए के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी है, डी है और ई है, ठीक है? अभी हम नोड ए के लिए सोच रहे थे, ठीक है? नोड ए को इंसर्ट किया और उसके जितने एडजेसेंट नोड हैं उनको इंसर्ट किया। अब हमें क्या करता है एल्गोरिदम कि इस जब ये काम हो जाए तो हम उस क्यू में से एक एक करके एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले कौन सा बाहर निकलेगा, ए। तो हमारा जो बी एफ एस बनेगा वो यहाँ है, ठीक है? मैं इस साइड लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा बाहर निकला, ए, ठीक है? तो ये रिमूव हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, बी। तो अब हमें बी पे फोकस करना है। अब हम क्या करेंगे, इस बी नोड के जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनको इस क्यू में ऐड करेंगे। तो बी के एडजेसेंट में देखो ए आता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। बी का दूसरा एडजेसेंट है ई, वो भी इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। बी का तीसरा एडजेसेंट है सी, और एक और एडजेसेंट है एफ, एक और एडजेसेंट है एच। कैसे मैं बता पा रहा हूँ एडजेसेंट है, क्योंकि बी से ये सारे नोड कनेक्टेड है, ठीक है? ए और ई पहले से यहाँ लिखा हुआ था तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। बाकी जो नोड नए नोड है उनको हम इसमें लिख देते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें अगर, तो पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा एफ और उसके बाद आएगा एच। ने क्या किया, अभी हमने किया कि एक नोड को कंसिडर किया है और उस नोड से रिलेटेड जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उनको इस क्यू में इंसर्ट किया। अब काम खत्म हो चुका है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस बी को बाहर निकालना होगा। तो बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसको हम BFS वाले पोर्शन पे लिख देते हैं। नेक्स्ट इस क्यू में कौन सा एलिमेंट है, डी।
अब हमें यही काम डी के लिए करना है। डी नोड को देखो और डी के जितने एडजेसेंट हैं उनको इस क्यू में ऐड करो। डी का एडजेसेंट है ए, पहले से ही हो चुका है। डी का दूसरा एडजेसेंट है ई, वो भी इसमें हो चुका है। यानी डी के एडजेसेंट नोड ऑलरेडी इसमें एक बार ऐड हो चुके थे, तो हमें फिर से ऐड नहीं करना है। यानी इस डी को हम रिमूव करेंगे यहाँ से। डी यहाँ लिखा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ई। इस ई के सारे एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करना है। ई के एडजेसेंट में है ए, पहले हो चुका है। ई का दूसरा एडजेसेंट है बी, वो भी हो चुका। ई का तीसरा एडजेसेंट है डी, वो भी हो चुका। ई का चौथा एडजेसेंट है एफ, और उसके अलावा एक और है जी। एफ जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। जी जो है वो एक नया नोड था, तो हम इस जी को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस ई के सारे एडजेसेंट नोड क्यू में आ गए, तो हमें इस ई को यहाँ से रिमूव करना होगा और बीएफएस वाले साइड में हम इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सी। हम इस सी के सारे एडजेसेंट को लिखेंगे। सी के एडजेसेंट में आता है बी और एफ। बी पहले ही हो चुका है और एफ भी यहाँ आ चुका है। यानी सी का और कोई नया एडजेसेंट नोड नहीं है, जो कि पहले से इसमें नहीं था। तो इस सी को यहाँ से रिमूव करो और सी हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट इस लाइन में है एफ। एफ के एडजेसेंट ढूंढो। एफ के एडजेसेंट में आएगा बी, आएगा पहले से ही लिखा हुआ है। एफ का दूसरा एडजेसेंट है सी, वो भी लिखा हुआ है। एफ का एक और एडजेसेंट है ई, वो भी लिखा हुआ था। और एफ का एक नया एडजेसेंट है एच, वो भी इसमें लिखा हुआ है। यानी एफ के भी सारे एडजेसेंट हो चुके हैं, तो इस एफ को यहाँ से रिमूव करो और यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट इस लाइन में है एच। एच के एडजेसेंट देखो, जी बी और एफ, वो तीनों इसमें पहले से ही लिखे हुए हैं, तो इस एच को भी यहाँ से रिमूव करो और यहाँ पे आ जाएगा। लास्टली बचा जी। उस जी के एडजेसेंट देखो तो वो है ई और एच, वो पहले से ही यहाँ पे लिखा है। ई यहाँ रहा है, एच यहाँ रहा है, यानी जी के भी सारे एडजेसेंट हो चुके थे, तो इस जी को क्यू से बाहर निकालोगे और यहाँ पे लिख दोगे। तो ये हमारा एक बीएफएस हुआ। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक सॉल्यूशन है बीएफएस। इसके और भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था, याद करो, स्टार्टिंग में ए के एडजेसेंट जब लिख रहे थे तो हमने ऑर्डर ले लिया था अल्फाबेटिकल। बी को पहले लिखा, फिर डी को पहले लिखा, उसके बाद ई को लिखा। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो ना करे, बल्कि वो यहाँ पे लिख दे डी पहले, उसके बाद ई और फिर जाके बी। हो सकता है, या फिर कोई एक दूसरा स्टूडेंट पहले ई को लिख दे, फिर बी लिख दे और देन डी लिखे। तो ये ऑर्डर अगर आपने चेंज किया यहाँ पे, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर डी ई बी रहता, तो यहाँ पे आंसर मिलता आपको ए पहले मिलता, फिर डी मिलता, फिर ई मिलता और फिर बी मिलता। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपने किस ऑर्डर में उस क्यू में इंसर्ट किया है, उसके बेसिस पे आपका आंसर होता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि हम क्यू इंप्लीमेंट करें बीएफएस के लिए। ठीक है, तो वन ऑफ द प्रोबेबल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये होगा। कोई दूसरा आंसर अगर आपका आ रहा है तो वो भी सही है। जैसे मैंने एक आंसर निकाला था, वो यहाँ पे ये देखो, ए बी ई डी सी एफ एच और जी, ये भी सही है और ये वाला सही है। उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सेम क्वेश्चन को बीएफएस निकाल के देखते हैं। बीएफएस में हम लोगों ने क्यू यूज किया, अब इसके लिए हम लोग डीएफएस निकालते हैं। तो डीएफएस में जो है वो हम यूज करेंगे स्टैक। तो मैं एक स्टैक बना लेता हूँ। फिर से वही कहानी है, आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंपलसन नहीं है। ए ही नोड से स्टार्ट करो, आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल वही होगा। अगर आपने ए की जगह बी से स्टार्ट किया तो आपका आंसर थोड़ा वेरी करेगा आपके फ्रेंड से, है ना। तो हम एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि डीएफएस हमने ए से लिया था, तो बीएफएस भी हम ए से ही ले लेते हैं। ये हमारे स्टार्टिंग का पॉइंट। इसमें ये कहता है कि आप एक नोड को सेलेक्ट करो, जैसे हमारे केस में ए है, उसको हम स्टैक में इंसर्ट करेंगे। देन उस नोड के एडजेसेंट नोड को स्टैक में इंसर्ट करेंगे। आपको याद होगा दोनों बोलने में एक जैसा ही लग रहा है, उसमें क्यू में इंसर्ट कर रहे थे, इसमें स्टैक में इंसर्ट कर रहे थे। सबसे पहले क्या आया, ए, तो हमने ए को स्टैक में डाल दिया। अब इस ए के एडजेसेंट नोड डी ई और बी, फिर से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो पहले बी लिख देते हैं,
फिर हम यहाँ पे डी लिख देते हैं और फिर हम यहाँ पे ई लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या कि ये स्टैक में जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो जिस नोड के एडजेसेंट नोड को उसमें डाला है उसको पहले ही रिमूव कर लेते हैं। यानी एक्चुअल में हुआ क्या है, जब हमने इसको पहले ए इसमें डाला, ठीक है, अब मेरे सेलेक्टेड नोड हो गया था ए, हम अब इस ए के एडजेसेंट नोड को स्टैक में डालने वाले हैं, तो उसके एडजेसेंट नोड को डालने से पहले हम उस ए को बाहर निकाल लेते हैं। यानी आपको जो फाइनल मिला होगा वो स्टैक इस तरह का मिला होगा और यहाँ से ए बाहर हो चुका है, तो आपका ए यहाँ बाहर हो चुका है। ठीक है, ये मैं डीएफएस बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये स्टैक है तो जो एलिमेंट, अब आप ये मत बोल देना सर ये ए बाहर क्यों निकला, बी डी ई को ऐड करने से पहले ही हम ए को बाहर निकाल चुके हैं, यानी टॉप पे उस समय ए ही रहा होगा, ए निकल गया बाहर, देन हम उसके एडजेसेंट नोड को इंसर्ट किए, बी को इंसर्ट किया, फिर डी को इंसर्ट किया, अब ई को इंसर्ट किया, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ई, तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम ई को बाहर निकालेंगे, ई यहाँ से बाहर निकल आया, ये जगह यहाँ से फ्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, ई के एडजेसेंट नोड को इसमें इंसर्ट करेंगे, ई रहा यहाँ पे, इसके एडजेसेंट नोड देखिए, ए पहले से ही हो चुका है एक बार, दूसरा है बी, वो ऑलरेडी इसमें इंसर्टेड है, तीसरा है डी, वो भी ऑलरेडी इंसर्टेड है, चौथा है एफ और एक नया नोड है जी। आप इन दोनों को इस स्टैक में इंसर्ट करोगे, मैं पहले एफ इंसर्ट कर देता हूँ फिर जी इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर वही वाली काम करेंगे हम, इसके टॉप पे जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालो, तो जी यहाँ से बाहर निकल गया, जी के बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसके एडजेसेंट नोड को इस स्टैक में इंसर्ट करेंगे। जी का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, ई और एच, ई पहले ही एक बार हो चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम, एच आया उस एच को यहाँ इंसर्ट कर दो। अब क्या करना है, टॉप पे है एच, एच बाहर निकलेगा और एच के एडजेसेंट नोड को इसमें पुश करना है, एच के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, एच के एडजेसेंट नोड है जी, वो पहले ही हो चुका है एक बार, एच का दूसरा एडजेसेंट नोड है बी, वो भी हो चुका, एच का तीसरा एडजेसेंट नोड है एफ, वो भी इसमें ऑलरेडी से ही था, तो कोई नया नोड इसमें पुश नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, फिर कौन सा बाहर निकलेगा, टॉप पे जो एलिमेंट है टॉप पे कौन है, एफ, एफ बाहर निकालो और एफ के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करो। मैंने एफ को बाहर निकाल दिया और एफ के एडजेसेंट नोड को मुझे इसमें पुश करना है, एफ के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, एफ हमारे पास यहाँ है, एफ का एडजेसेंट नोड होगा एच, एक बार हो चुका है, ई, वो भी एक बार हो चुका है, बी ऑलरेडी इसमें है, सी, सी एक नया नोड था तो हम इस सी को स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, सी, बाहर निकलेगा, सी आप बाहर निकालिए और सी के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट कीजिए, सी का एडजेसेंट नोड कौन कौन है, बी और एफ, बी पहले से ही है यहाँ पे और एफ एक बार हो चुका है तो हम कोई नया नोड ऐड नहीं करेंगे, टॉप पे कौन सा एलिमेंट बचा, डी, उस डी को बाहर निकालिए, डी को बाहर निकालेंगे और डी के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करेंगे, डी का एडजेसेंट नोड कौन कौन है, ए और ई, ए एक बार हो चुका है, ई भी एक बार हो चुका है तो अब इसमें कोई नया नोड इंसर्ट होगा नहीं, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, बी, तो उस बी को बाहर निकालिए आप और बी के एडजेसेंट नोड को इसमें इंसर्ट कीजिए, बी का एडजेसेंट नोड ढूंढिए, बी यहाँ है, बी का एडजेसेंट नोड है ए, ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ई, वो भी हो चुका, एफ, वो भी हो चुका और सी, वो भी हो चुका, यानी इस स्टैक में अब कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे ही स्टैक आपका एम्प्टी हुआ आपको सॉल्यूशन मिल चुका है, ये है इसका सॉल्यूशन डीएफएस का। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ये एक वन ऑफ दी पॉसिबल सॉल्यूशन है, कोई दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है, कैसे पता, क्योंकि जब मैंने ए को बाहर निकाला था और उसके एडजेसेंट नोड को इंसर्ट किया था तो ये तीन एडजेसेंट नोड थे, इन तीनों के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया था, पहले बी इंसर्ट किया फिर डी इंसर्ट किया फिर ई इंसर्ट किया तो टॉप पे ई आ गया, इसी कारण से यहाँ पे ई आया हुआ है। अगर आपने इस लेफ्ट टू राइट गए होते
तो पहले बी इंसर्ट कर देते तो स्टैक में, देन आप ई इंसर्ट कर देते, फिर डी इंसर्ट कर देते, ये भी तो पॉसिबल था। उस केस में डी पहले बाहर निकलता तो यहाँ पे आंसर में आपको ए के बाद डी आता। या फिर कोई स्टूडेंट हो सकता है पहले आपको डी इंसर्ट कर दे, फिर आपको बी इंसर्ट कर दे, और फिर ई ई निकाल ऊपर कर दे, तो उस केस में फिर यहाँ पे ई आ जाता और पैटर्न बदल जाता है ना। तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है डीएफएस का। मैंने उस लास्ट डे भी बोला था, अगर एग्जाम के केस में आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर अलग अलग आ रहा है तो आप अपने आंसर पे शक मत करना, आपका आंसर भी सही हो सकता है अगर आपने कंसेप्ट यूज सही किया होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा वैरी करके बताएं, अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन हुआ होता तो उसका आंसर कुछ और आता। डायरेक्शन वाले केस के लिए मैंने पहले ही बताया कि जिस एरो जिसकी तरफ होता है वो एडजेसेंट नोड निकालते वक्त दिक्कत होती है। जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, तो जब मैं डी का एडजेसेंट ढूंढता था तो बोलता था ए भी है और ई भी है, क्योंकि यहाँ एरो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ एरो हुआ होता तो डी का एडजेसेंट ए नहीं था। ठीक है, तो आपको उस बात पे ध्यान देना है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में डी का एडजेसेंट ए होता है और ए का एडजेसेंट डी होता है, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में ए का एडजेसेंट डी तो है लेकिन डी का एडजेसेंट ए नहीं है। ठीक है, आपको इस बात पे ध्यान देना होगा। तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं बीएफएस डीएफएस के, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है। आपके पास पांच आंसर, पांच नोड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। हम इसको में से बीएफएस और डीएफएस निकालेंगे। पहले हम बीएफएस के लिए करते हैं। बीएफएस में हमें क्यू इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हम क्यू की मदद से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैं एक क्यू बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसका बीएफएस लिखूंगा। हम इसमें से किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने ए को यानी पहले नंबर से स्टार्ट किया था, इस बार हम कुछ और करते हैं, इस बार हम 5 से स्टार्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आंसर दिख रहा होगा आपको वो आंसर इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये आंसर मैंने 1 से लिख कर बनाया है। हम इस बार 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें करना क्या होता है, एक नोट सेलेक्ट करो, उसको क्यू में इंसर्ट करो। ठीक है, उसके बाद उस नोड के सारे एडजेसेंट नोड को उस क्यू में इंसर्ट करना है। तो पहले हम इसके सारे एडजेसेंट नोड को इंसर्ट कर लें, 2 4 6। यहाँ से इस 5 को बाहर निकालिए, 5 यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट टाइम जो नंबर है वो कौन सा है, 2 पे है, 2 के एडजेसेंट नोड को ढूंढना है। 2 के एडजेसेंट नोड को आप सर्च कीजिएगा तो एक आएगा 4, एक आएगा 5। 4 पहले से ही लिखा हुआ है, 5 हम लोगों ने अभी यूज कर ही लिया। तीसरा जो नया नोड है वो है 1। हर बार हम नए नोड को ही फोकस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 क्योंकि ये क्यू है, लास्ट में ऐड होगा। 2 को यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 4 का, 4 के एडजेसेंट नोड को सर्च कीजिए, 4 का एडजेसेंट नोड है 2, हो चुका है। 5 हो चुका है, 6 पहले से ही इसमें है, और एक नया नोड है 3, वो इसमें नहीं है कहीं पे भी, तो हम इस 3 को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 4 को यहाँ से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट लाइन में है 6, इस 6 को आप फोकस कीजिए, इसके एडजेसेंट नोड है 3 4 और 5। 3 4 और 5 पहले से ही इस क्यू में थे, तो हम इसमें से कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकते। 6 को बाहर निकालिए और यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट है 1, 1 का एडजेसेंट है 2 और 3, पहले से ही है इसमें, 1 को यहाँ से बाहर निकालिए, ये रहा यहाँ 1। लास्टली बचा 3, 3 का एडजेसेंट 1 4 और 6, वो इसमें पहले से ही है, 3 को आप बाहर निकालिए और यहाँ पे लिख दीजिए। ये वन ऑफ द पॉसिबल बीएफएस इसका होगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसका डीएफएस भी निकाल सकते हो, हमें स्टैक की मदद लेनी पड़ेगी। एक स्टैक बना लेता हूँ मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आराम आराम से इसको पढ़ा रहा हूँ। ये डीएफएस मैं यहाँ पे लिखूंगा इसी क्वेश्चन का। स्टार्टिंग पॉइंट फिर से मैं ले लेता हूँ 5 को ही, वैसे आप किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि बीएफएस मैंने 5 से निकाला है तो डीएफएस भी मैं 5 से निकालता हूँ। डीएफएस निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, एक सेलेक्टेड नोड को आप पहले तो स्टैक में इंसर्ट कीजिए, 5 यहाँ इंसर्ट हो गया। फिर उस नोड को टॉप पे जो है एलिमेंट उसको बाहर भी निकालो, मतलब एक बार ऐड करना है फिर बाहर निकालना है। 5 ऐड किया, अब इसको बाहर निकालो आप, तो ये 5 बाहर निकल गया।
जब ये 5 बाहर निकल गया तो ये एम्प्टी हो गया यहाँ पे, और हमें जब जिस नोड को हमने बाहर निकाला है उसके एडजेसेंट नोड को इस स्टैक में इंसर्ट करना है। तो इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? 4, 6 और 2। आप इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, 2, 4, 6। टॉप पे जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालिए, 6 बाहर निकलेगा, और उसकी जगह हम यहाँ पे उसके एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करेंगे। ये 4 लिखा हुआ है, 6 के एडजेसेंट नोड में आएगा 4, 5 और 3। 4 पहले से ही है, 5 पहले से ही हो गया, 3 नया बचा था तो 3 यहाँ इंसर्ट किया। अब हम इसे क्या कहते हैं एल्गोरिदम कि इस 3 को बाहर निकालिए, 3 को हमने बाहर निकाला और 3 के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट किया। 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? 1, 4 और 6। 4 और 6 पहले से ही हो चुका था, एक 1 नया आया है, उस 1 को यहाँ लिख दो। अब हम इस 1 को बाहर निकालेंगे, इस 1 को बाहर निकालो और उस 1 के एडजेसेंट नोड को लिखिए। 1 के एडजेसेंट नोड है 2 और 3, 2 पहले से ही हो चुका है, 3 पहले से ही हो चुका है, तो हम कुछ नया ऐड नहीं करेंगे। टॉप पे जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालिए, 4 बाहर निकलेगा, उसके एडजेसेंट नोड को इंसर्ट कीजिए। 4 को बाहर निकाल दिया है और उसके एडजेसेंट नोड को, 4 का एडजेसेंट नोड है 2, 5, 6, 3, 2 यहाँ पहले से ही है, 5, 6 और 3 का काम हो चुका है, तो हम कोई नया नोड नहीं ऐड करेंगे। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है अब? 2, हम उस 2 को बाहर निकालेंगे और 2 के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट करेंगे। 2 के एडजेसेंट नोड को देखिए आप, 2 के एडजेसेंट नोड है 1, 4 और 5, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो आप, तो ये स्टैक एम्प्टी हो चुका है, ये स्टैक एम्प्टी हुआ है इसका मतलब कि हमें आंसर मिल चुका है, ये DFS वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ 5 से स्टार्ट किया है तो आंसर ये है। आप 4 से या 3 से स्टार्ट करते तो कोई और आंसर मिलता। सिमिलरली जब हमने 5 से इंसर्ट किया था तो ऑर्डर लिखा था 2, 4 और 6, जिस वजह से 6 पहले बाहर निकला, स्टैक है। अगर आपने इसी का पैटर्न कुछ और लिखा होता, हमने यूज किया था 2, 4 और 6, तो हमें आंसर यहाँ पे 6 मिला है। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई और वैल्यू यूज किए होते, किसी और ऑर्डर में लिखे होते, जैसे 4, 2 और 6, तो आपको 4 यहाँ पे मिलता, या फिर 2, 4 और 6, तो आपको 2 यहाँ पे मिलता। आंसर चेंज हो रहा है, आप जिस ऑर्डर में उसको यूज कर रहे हो उस ऑर्डर में उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये भी सही है, इसकी जगह अगर 4 यहाँ होता वो भी सही होता, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो BFS और DFS यहाँ आंसर लिखा हुआ है, ये मैंने 1 को स्टार्टिंग पॉइंट लेकर बनाया था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस बार हम लोग A को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, BFS निकालें, Q बनाइए आप, A को स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो A यहाँ पे है, मैं BFS निकाल रहा हूँ, ए को बाहर निकालना और ए के एडजेसेंट नोड को यूज यहाँ पे इंसर्ट करना। ए के एडजेसेंट नोड है बी और ई, मैंने लिखा यहाँ बी और ई, ठीक है। अब बी को बाहर निकालिए और बी के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट कीजिए। बी का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा होगा? ए, सी, डी। ए पहले ही लिख चुके हैं, सी और डी, तो मैं सी यहाँ लिखूंगा और डी यहाँ लिखूंगा। अब यहाँ से बाहर निकलेगा ई और ई के एडजेसेंट नोड, ई के एडजेसेंट नोड है एफ और जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ और जी, ठीक है। सी को बाहर निकालिए, सी का एडजेसेंट नोड है बी और एच, तो लास्ट में यहाँ पे एक नया एच आ जाएगा क्योंकि बी तो पहले से लिखा हुआ था। डी को बाहर निकालिए, डी का एडजेसेंट नोड बी और एच दोनों हो चुका है। एफ को बाहर निकालिए, एफ का एडजेसेंट नोड ई और एच ऑलरेडी हो चुका है। जी को बाहर निकालिए, जी का एडजेसेंट नोड ई और एच ऑलरेडी हो चुका है। लास्टली बाहर निकलेगा एच, तो ये रहा हमारा BFS। आप देखो अगर इस BFS को इस वाले से मिलाकर तो आंसर सेम ही आ रहा है। चलो इसी जगह अगर मैंने इसका ऑर्डर कुछ और लिखा होता, जैसे ए को लिखने के बाद मैं यहाँ पे बी और ई ना लिख के ई और बी लिखा होता,
तो आंसर मेरा कुछ और आता है। ई और बी के बाद ई के एडजेसेंट ढूंढता मैं तो एफ और जी आता। इस एफ और जी में भी ऑर्डर आप देख सकते हो, पहले जी लिख देते तो आंसर कुछ और हो जाता है ना, यानी कि ये भी सही है, यहाँ से जो आंसर आता वो भी सही मिलता आपको, दोनों आंसर सही है। सिमिलरली अगर मैं इसका डीएफएस बनाऊं तो डीएफएस के लिए मुझे स्टैक चाहिए, ए को स्टार्टिंग पॉइंट माना, ए इंसर्ट किया, फिर टॉप पे जो एलिमेंट है उसको बाहर निकाला हुआ है, तो ए बाहर भी निकल आएगा, ये यहाँ पे एम्प्टी हो गया। उसके एडजेसेंट नोड बी और ई, बी और ई टॉप पे है, ई ई बाहर निकलेगा, ई के एडजेसेंट, ई के एडजेसेंट जी और एफ, मैं यहाँ जी पहले इंसर्ट कर देता हूँ फिर एफ इंसर्ट कर देता हूँ, एफ बाहर निकलेगा क्योंकि टॉप पे एफ है, एफ का एडजेसेंट है ई और एच, ई ऑलरेडी हो चुका है, एच एक नया नोड है तो इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया, अब एच बाहर निकलेगा, एच का एडजेसेंट, अब यहाँ पे अच्छी बात है, एच का एडजेसेंट देखोगे तो कौन कौन से हैं, जी एफ डी और सी, जी यहाँ हो चुका है, एफ ऑलरेडी हो चुका है, डी और सी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर डी और सी इंसर्ट करेंगे, फिर सी बाहर निकलेगा, सी का एडजेसेंट है बी और एच, डी और एच पहले ही हो चुका, तो अब टॉप डी, डी बाहर निकालो, डी बाहर निकलेगा, तो टॉप पे एलिमेंट बचेगा आपको जी, है ना, डी का एडजेसेंट देखो बी और एच ऑलरेडी हो चुका है, टॉप पे है जी तो जी को बाहर निकालो, जी का एडजेसेंट देखो ई और एच ऑलरेडी हो चुका है, लास्टली बचा कौन सा है, बी, तो उस बी को बाहर निकालोगे तो ये आपको वन ऑफ द पॉसिबल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर में से कोई एक आंसर सही है ना, मतलब आप कोई और आंसर अगर इसी से रिलेटेड निकाल रहे हो तो सही होगा, बस इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं इस ABCD में किसी भी रैंडम ऑर्डर में यहाँ लिख दूँ, एग्जामिनर जो है वो सोचेगा कि ये सही है, नहीं, आपको BFS में क्यू से ही निकालना है, DFS में स्टैक से ही निकालना है, तो ही आंसर सही निकलने की चांसेस है, ठीक है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतनी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। इस यूनिट की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मैं हर टॉपिक के आगे आपसे यही बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, स्पैनिंग ट्री, और यहाँ से हमारा ट्री जो है लगभग स्टार्ट होने वाला है। ट्री क्या होता है आपको पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में ही, ग्राफ और ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है, एक ग्राफ जो है उसमें साइकिल हो सकता है, साइकिल मतलब क्लोज्ड लूप हो सकता है, लेकिन एक ट्री में क्लोज्ड लूप नहीं होगा। डायग्राम से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ए बी सी डी, अगर मैं इस तरह का कुछ बना रखा हूं, है ना, ये वर्टेक्स है और ये सारे एजेस हैं, तो ये एक ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है, ग्राफ हमेशा क्लोज होगा, अभी जितने भी डायग्राम ऊपर हम लोगों ने देखे वो सब ग्राफ था, लेकिन एक ट्री जो है वो ओपन होता है, वो क्लोज नहीं होता, यानी कम से कम अगर मुझे इस ग्राफ को ट्री बनाना हो तो कम से कम किसी एक जगह का एज हटाना पड़ेगा, चाहे तो ये वाला हटा दो या तो ये हटा दो या तो ऊपर का कोई ना कोई एक एज हटाओ जिसकी वजह से ये क्लोजनेस जो है उसकी वो खत्म हो जाए, तो इस डायग्राम को हम ट्री कहते हैं, लेकिन इसके पहले वाले डायग्राम को हम ग्राफ कहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस यही है, ग्राफ क्लोज होता है, ट्री जो है वो ओपन होता है, उसमें क्लोज नहीं होता। अब स्पैनिंग ट्री हमें देखना और स्पैनिंग ट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखना है जो इसके बाद आएगा, आप इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ो, स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ, जाहिर सी बात है ग्राफ की मदद से ही हम ट्री बनाते हैं, तो ये ट्री का एक खास तरह का ट्री है तो ग्राफ का सबसेट ही होगा, हमें इसके हर एक वर्ड पे ध्यान देना है, स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ ओके, विच हैज ऑल दी वर्टिसेस कवर्ड विथ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस, क्या मतलब है इसका, हमारे पास एक ट्री है यानी एक ग्राफ जो क्लोज नहीं है, वैसा एक ट्री है हमारे पास, हमें क्या करना है कि
एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के पास जाना है, ओके। लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम वहां पे जाएंगे किसी एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे, तो कम से कम एजेस से होते हुए जाना पड़े। जैसे पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो हो सकता है ए टू बी जाने के लिए हमें मल्टीपल एजेस के थ्रू जाना पड़े, है ना। आप लोगों को एडजेसेंट मैट्रिक्स भी बताया था कुछ दिन पहले, उसमें भी ये सब आया था। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम पॉसिबल जो एजेस होंगे वो लेना है। मैं समझ रहा हूँ दिक्कत होगी समझने में, अभी डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये होगा स्पैनिंग ट्री। आगे क्या लिखा है, अ स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल्स। ऑलरेडी हमें मालूम है ये ट्री है तो साइकिल्स होंगे नहीं। एंड इट कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कुछ नोड्स हैं ए बी सॉरी, ये डिसकनेक्टेड का मतलब होगा कि मान लो हमारे पास चार वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, ए और बी के बीच में एज है, ओके। ए और सी के बीच में एज है, ओके। डिसकनेक्टेड ग्राफ का मतलब हुआ कि ये जो डी नाम का वर्टेक्स है वो किसी भी बाकी एज वर्टेक्स से कनेक्टेड ना हो। अगर मैं यहाँ पे एक एज डाल दिया तब तो ये डी कनेक्टेड हो जाएगा। आप लोगों को कनेक्टेड ग्राफ बताया भी था। लेकिन अगर इसको डिसकनेक्टेड बनाना हो तो मुझे यहाँ से एज हटाना पड़ेगा। यानी ये डी से आप बी तक नहीं जा सकते, डी से सी तक नहीं जा सकते, डी से ए तक नहीं जा सकते। अगर ऐसा कोई ग्राफ होगा तो उसको डिसकनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और स्पैनिंग ट्री आपसे ये कह रहा है कि डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम एक एज जरूर होना चाहिए सी डी को कनेक्ट करने वाला। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने मोटा मोटा ये देखा कि एक ग्राफ होगा जो कि कनेक्टेड होगा, साइकिल नहीं होंगे तो उसके वजह से वो ट्री बन जाएगा। और अब वो ट्री बन चुका है तो हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो ट्री स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। ठीक है, पहले ग्राफ था, फिर ट्री बनाया, ट्री से हमने स्पैनिंग ट्री बनाया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अ कनेक्टेड ग्राफ जी कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। मोर देन वन स्पैनिंग ट्री, इसका एग्जाम्पल से समझता हूँ, समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, सिंपल ग्राफ। ये चार वर्टेक्स हैं हमारे, इन चारों के बीच में एक एक एज है, ठीक है। ये ग्राफ था, ये ट्री नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करता हूँ। तो क्योंकि ये क्लोज्ड है तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। किसी एक वर्टेक्स, किसी एक एज को आप डिलीट मार दो, जैसे मैंने इसको मार दिया, तो अब जो है ये एक ट्री बन गया। ओके, सारे नोड भी कनेक्टेड हैं, यानी डिसकनेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। अब मुझे ये कह रहा है कि ए से सी की ओर जाना है तो मैं जा सकता हूँ। कौन कौन सा एज लेकर, बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया। अगर मुझे ए से डी की ओर जाना है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ, ए से बी की ओर जाना है तो मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। यानी किसी भी एक वर्टेक्स से मैं किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक कुछ एजेस को क्रॉस करते हुए पहुंच सकता हूँ। जैसे डी से सी अगर जाना हो तो मुझे ये वाला पाथ लेना होगा, डी ए ए बी देन ए बी सी, ठीक है। ये लाइन आपसे क्या कह रहा है, ये एक स्पैनिंग ट्री होगा क्योंकि डी से सी जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हमें कितने लगेंगे, 1 2 3 एज ही लगेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं।
ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है कि एक ट्री के जो मिनिमम है स्पैनिंग ट्री, अगर मुझे बनाना हो किसी ग्राफ का, तो एक से ज़्यादा बना सकते हैं। कैसे? अभी हमारे पास ग्राफ कैसा था, इस तरह का। हमने कौन सा वर्टेक्स, कौन सा एज डिलीट किया, ये वाला। ये नाउ डिलीट करते हुए अगर आपने ये डिलीट कर दिया, तब भी उस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री होगा। जो ओरिजिनल ग्राफ है उसका एक स्पैनिंग ट्री ये है, दूसरा स्पैनिंग ट्री ये है। आप चाहो तो एक और बना सकते हो, आप ये वाला भी बना सकते हो, ये भी स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। आप चाहो तो ये वाला बना सकते हो, ये भी स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। ठीक है, यानी उस ग्राफ के टोटल कितने स्पैनिंग ट्री निकल गए, 1 2 3 4। ठीक है, यानी किसी भी एक ग्राफ का आप स्पैनिंग ट्री अगर निकालना चाहो तो एक से ज्यादा होगा, ये कंपलसरी, ये होना ही होना है। ठीक है, इस स्पैनिंग ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। स्पैनिंग ट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसके बाद वाला टॉपिक है। स्पैनिंग ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। स्पैनिंग ट्री हैज एन माइनस वन एजेस वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अभी हमने देखा था चार वर्टेक्स थे तो एजेस कितने थे, तीन, यानी एन वर्टेक्स हैं तो एन माइनस वन एजेस होंगे। फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ बाय रिमूविंग मैक्सिमम ई माइनस एन प्लस वन एजेस वी कैन कंस्ट्रक्ट ए स्पैनिंग ट्री। ये वाला आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, जहाँ ई क्या है, एज है, एन क्या है, वर्टेक्स है। एक कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था। एक कंप्लीट ग्राफ बनाइएगा, उस ग्राफ में से आप एजेस को रिमूव कीजिए, मैक्सिमम इतने एजेस को आप रिमूव करोगे तब जाके एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। ये सब प्रूफ किया हुआ थ्योरम टाइप का है, तो ये आप खुद से बुक से या खुद से ट्राई करोगे तो आपको बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ कंप्लीट ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम एन टू द पावर एन माइनस टू नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। अभी हमने देखा एक ग्राफ के एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री होते हैं, यहाँ पे एक कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट ग्राफ को में कम से कम इतने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, एन टू द पावर एन माइनस टू, यानी एक कंप्लीट ग्राफ हो जिसमें एन यानी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर थ्री हो तो उसमें उसके जो मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं वो बन सकते हैं 3 to the power 1, यानी 3, यानी तीन अलग अलग स्पैनिंग ट्री बनेंगे। ठीक है, ये तो थे स्पैनिंग ट्री के डेफिनेशन। हमें इससे ज्यादा पढ़ना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में, और वहां पे दो एल्गोरिदम आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अभी हमने देखा एक ग्राफ का एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकता है, लेकिन उन सारे स्पैनिंग ट्रीज में एक ही ऐसा स्पैनिंग ट्री होगा जो कि मिनिमम होगा। क्या मतलब है मिनिमम का, वो मैं बता रहा हूँ, अभी इस डायग्राम से आप देख सकते हो, या अभी थोड़ी देर से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम, देखिए ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम एक ग्राफ का है। ठीक है, हम इस ग्राफ को पहले तो ट्री में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये क्लोज्ड है। आप ए बी सी डी के बीच में देखिए एक क्लोज्ड लूप बना हुआ है, यानी ये ट्री तो नहीं है। और जब ट्री नहीं है तो स्पैनिंग ट्री की बात ही नहीं होगी। तो पहले मुझे इस ग्राफ से ट्री बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आपसे इसी तरह का आएगा, एक ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपको पहले तो इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है, देन उस ट्री के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बनाने होंगे, और उन बहुत सारे स्पैनिंग ट्री में से कोई एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना होगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोग जितने भी ग्राफ देखे थे उनमें जो एजेस होता था वो सिंपल हम उसको ड्रॉ कर देते थे, है ना। जैसे इस डायग्राम में आप देखो ए टू बी के बीच में एक जगह मैंने 6 लिख रखा है और एक जगह 9 लिख रखा है। ये क्या होता है, ये वेट कहलाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप भोपाल से रेलवे स्टेशन जाना चाहो, अपने कॉलेज से रेलवे स्टेशन जाना चाहो, तो उसके बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट रायसेन रोड पकड़ के भारत टॉकीज होते हुए जा सकते हो, उसको मान लो कि 6 रुपीज लगते हैं। हो सकता है कोई और बंदा पहले एमपी नगर होते हुए जाए रेलवे स्टेशन, तो उसके कॉस्ट कितने लगेंगे, 9 रुपीज लगेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये जो 6 9 2 3 4 5 है ये सब कॉस्ट बता रहा है।
जिसको हम लोग ग्राफ वाले यूनिट में वेट कहते हैं, यानी एक एज का अपना खुद का एक वेट होता है, एक कॉस्ट होता है। अब हमें जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना होगा, उसके पहले हम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। तो स्पैनिंग ट्री तो आप किसी भी एक एज को हटा करके बना सकते हो। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहता है कि आप उस वाले एज को अपने ग्राफ में रहने दीजिए जिसकी वेट कम है, और उस वाले एज को आप अपने ग्राफ से रिमूव कर दीजिए जिसकी वेट ज्यादा है। रिमूवल के टाइम पे आप जितने भी सेल्फ लूप हैं उनको भी रिमूव कर दीजिए, जितने पैरेलल एजेस हैं उनको भी रिमूव कर दीजिए, ठीक है? तो यानी अब जो हमारे पास एजेस वाले बचे हैं वो सब कम वेट वाले एजेस बचे हैं। उसके बाद हम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। यानी आपको प्रोसेस क्या करना है, जितने पैरेलल एज हैं उनको हटा दो, सेल्फ लूप जितने हैं उनको हटा दो, जो ग्राफ में बचा उससे स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री बनाते वक्त जो हायर वेट वाले एजेस होंगे हम कोशिश करेंगे उनको रिमूव करने का। बस ये ध्यान देना है कि रिमूवल के वजह से कोई डिस्कनेक्टेड ना हो जाए। देन हमें एक एक ग्राफ मिलेगा, एक ट्री मिलेगा जिसमें सारे एजेस जो है कम कम वेट वाले होंगे। फिर हम उससे एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे जिसका वेट सबसे कम होगा। मैं इसको लाइव बता करता हूँ बनाकर। पहले डेफिनेशन देख लो। इन अ वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ का मतलब सारे एज के ऊपर एक नंबर लिखा होगा जो उसकी कॉस्ट होगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री। देखो ध्यान से, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री, यानी बहुत सारे स्पैनिंग ट्री में से कोई एक स्पैनिंग ट्री दैट हैज मिनिमम वेट देन ऑल अदर स्पैनिंग ट्री ऑफ द सेम ग्राफ, ठीक है? अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के जो तरीके होते हैं वो दो मेथड होते हैं। पहले का नाम है क्रूस्कल और दूसरे का नाम है प्रिम्स। ये तो गारंटी मान लो, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है? क्रूस्कल एल्गोरिदम डायरेक्ट पूछता है सॉल्व दिस ग्राफ विद द हेल्प ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिदम, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम। और अगर कुछ भी ना लिखे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। ये दोनों ही मेथड से हम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग क्रूस्कल एल्गोरिदम देखेंगे, प्रिम्स एल्गोरिदम कल देखेंगे। क्रूस्कल एल्गोरिदम एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में हमें इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या कहता है, रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस, ब्रैकेट में लिखा है कीप लीस्ट कॉन्स्ट। इसका मतलब जब रिमूवल आप कर रहे हो खास करके पैरेलल एजेस को, तो उसको रखना है जिसकी वेट कम है और उसको हटाना है जिसकी वेट ज्यादा है। यानी ये वाला एज हट जाएगा, ये वाला एज हट जाएगा, ठीक है? ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। देन हमसे सेकेंड स्टेप में क्या कहता है क्रूस्कल एल्गोरिदम? सेकेंड स्टेप में हमसे ये कहता है कि आपके पास जितने भी एजेस बचे, अब देखो मैं यहीं से बता देता हूँ, ये वाला रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे एजेस बचे हुए हैं। इन सारे एजेस को आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। यानी जिसका वेट कम है उसको पहले, तो सबसे कम वेट कौन सा है, बी डी, तो मैंने लिख लिया बी डी, और उसके नीचे उसका वेट कितना है, 2। नेक्स्ट 2 के रेंज में कोई और है, हाँ डी और जे, मैं लिखूंगा डी और जे, और उसका वेट भी 2। 3 के रेंज में कोई है, ए सी और सी डी, मैं लिखूंगा ए सी सी डी, और इन दोनों का वेट है 3 3। 4 के रेंज में और कोई है, बी सी, 4 के रेंज में, एंड सो ऑन, ठीक है? अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पैरेलल एज को हटाया, सेल्फ लूप को हटाया, जितने एजेस बचे उन सबको एक ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है? 2 2 3 3 4 5 6 7 8, ये एज का नाम है और ये उसका वेट है, ठीक है? उसके बाद आपसे क्रूस्कल एल्गोरिदम ये कहता है कि आप जो ग्राफ था ओरिजिनल ग्राफ, ये उसके सारे वर्टेक्स को प्लॉट कर लो बिना एज का, ठीक है? मैंने क्या किया, उसके वर्टेक्स को प्लॉट कर लिया बिना एज का। फिर आपसे ये एल्गोरिदम ये कहता है कि ये जो लिस्ट आपने बनाई थी ऊपर, वहां से एक एक एज को उठाओ
और इस पे पुट करते जाओ। बस यहाँ पे एक बात ध्यान देना, हम एक स्टेप में एक ही बार ड्रॉ करेंगे, यानी कि मैं जब इस बीडी को ले रहा हूँ उसके लिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा तो वो एक ग्राफ बनेगा। जब मैं डीटी को यूज करूंगा तो उसके लिए एक अलग से ग्राफ फिर से आपको नीचे बनाना पड़ेगा। इस वाले यूनिट में आपको ग्राफ 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 ही बनाना है, हर स्टेप का एक अलग ग्राफ, ये नहीं कि सबको मिला के एक फाइनल बना दिया। अगर आपने सबको मिला के एक फाइनल बनाया आपको आंसर में 0 नंबर मिलेंगे। हर एक स्टेप का एक नया ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने बीडी यूज किया, बीडी यहाँ पे लगा दिया, ये एक ग्राफ बन गया, ठीक है? फिर नया स्टेप में हमें नेक्स्ट नंबर को देखना है, डीटी। मैंने डीटी यूज कर लिया, ठीक है? जब आप इस तरह से एज बना रहे हो, मैं एक ही में बना रहा हूँ, आपको अलग अलग बनाना है। जब आप इस तरह से एजेस को यहाँ लगा रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी समय पे ये क्लोज ना हो जाए। जैसे आप बीटी ऐड नहीं कर सकते, आप बीटी ऐड करोगे तो ये क्लोज बन जाएगा, है ना? नेक्स्ट नंबर क्या है, एसी। ए और सी, इन दोनों के बीच का एज को ऐड कर दो, उसकी एज कॉस्ट कितनी है, 3। अगले ग्राफ में सी डी, सी और डी, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो, इसकी कॉस्ट कितनी है, 3। नेक्स्ट है सी और बी। अब देखो अगर मैंने ये सी बी को कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज बन जाएगा, है ना, ट्राइंगल जैसा, तो मैं इस सी बी को ऐड नहीं करूँगा। बी और टी, बी और टी को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये भी एक क्लोज बन जाए, इसलिए मैं इसको भी यूज़ नहीं करूँगा। ए बी, अगर मैंने ए बी को यूज़ कर लिया तो ये क्लोज बन जाएगा, मैं इस कारण से इसको भी यूज़ नहीं करूँगा। एस ए, एस ए को यूज़ कर लो, उसकी कॉस्ट है 7। और लास्टली है एस सी, अगर मैंने एस सी को यूज किया तो क्लोज बन जाएगा, इस कारण से इसको भी यूज नहीं करूंगा। अब देखो ये है हमारा फाइनल एक स्पैनिंग ट्री जिसकी कॉस्ट जो है सबसे कम है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके, 7 + 3 10, +3 13, +2 15, +2 17। आप ऐसा कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते इस ग्राफ का जिसकी कॉस्ट 17 से कम हो। जैसे आप यूज कर लो यहाँ पे 7 वाले ग्राफ की जगह आप इसको कनेक्ट कर लो, तो ऊपर डायग्राम में देखो इसकी कॉस्ट कितनी है, एस से सी के बीच में 8, यानी जब आप बनाओगे तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट हो जाएगी 8। अब जब आप ऐड करोगे तो इसका टोटल आंसर मिलेगा 18, जो कि 17 से ज़्यादा है, ठीक है? इसकी जगह मान लो हमने कोई और चेंज कर दिया, मान लो इस 3 वाले को ऐड ना करते हुए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तब भी क्लोज नहीं बन रहा है। ए बी की कॉस्ट कितनी है, 6। अब देखो ये 3 था, उसको रिमूव करके मैंने 6 ऐड कर दिया, यानी फाइनल मुझे आंसर में 3 एडेड मिलेगा, यानी जो इसका आंसर है वो 20 होगा। आप ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं बना पाओगे जिसकी कॉस्ट इससे कम है। तो ये भी स्पैनिंग ट्री है, इसके पहले वाला भी स्पैनिंग ट्री था और इसके स्टार्टिंग वाला भी स्पैनिंग ट्री था। ये 20 कॉस्ट वाले भी स्पैनिंग ट्री है, 18 कॉस्ट वाला भी स्पैनिंग ट्री है, 17 कॉस्ट वाला भी स्पैनिंग ट्री है, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन है जिसमें कॉस्ट 17 आ रहा है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब वैसा स्पैनिंग ट्री जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है? आया समझ में? ये बनेगा हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्रुस्कल का ही। और ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ देखे हैं, मैं उसमें एक वेट पुट कर देता हूँ और उसका स्पैनिंग ट्री मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे इस वाले डायग्राम का ही स्पैनिंग ट्री मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं अपने मन से कोई रैंडमली वेट पुट कर देता हूँ, इसका वेट 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 7 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, सारे जगह वेटे आ गए, ठीक है? क्रूस्कल से अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखता। 1 से स्टार्ट होने वाला देखो, पहले सी बी, मैं लिखता सी बी और उसका कॉस्ट 1, दूसरा कहीं 1 है, यहाँ है एच जी, मैं लिखता एच जी और उसका कॉस्ट 1। 2 से स्टार्ट होने वाला ए बी,
मैं लिखता है ए बी और उसका कॉस्ट 2, और कोई है ई एफ उसका कॉस्ट 2, और कोई है 2 से एच डी इसका कॉस्ट 2। 2 के हो गए सारे, 3 वाले हैं कोई ए ई 3, यही यूनिट है जो आपको मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में। ए ई में 3, एफ और एच, एफ एच 3, और कोई है 3 का नहीं 4, ई जी, मैंने एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी ले लिया, ई जी 4, 4 वाला और कोई है नहीं है 5, बी डी 5, 5 का और नहीं है, फिर लास्ट बचा सी एच जिसका कॉस्ट है 7। देखो सारे एजेस हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ साफ दिखे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इस ग्राफ के सारे वर्टेक्स को लिखना है बिना एज का, ए बी ई सी डी एफ जी और यहाँ पे एच, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एक एक करके यहाँ से उठाओ और उसको पुट कर दो। सी बी कहाँ है सी, ये सी बी इसका कॉस्ट 1, एच जी इसको कनेक्ट कर दो इसका कॉस्ट 1, ए बी कनेक्ट कर दो इसका कॉस्ट 2, ध्यान देना क्लोज ना हो, ई एफ इसको ऐड कर दो इसका कॉस्ट 2, एच डी एच और डी इसको कनेक्ट कर दो इसका कॉस्ट 2, ए ई ए और ई इसका कॉस्ट 3, एफ और एच, एफ और एच हाँ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एफ और एच को कनेक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 3, ई और जी, ई और जी। अब देखो ई और जी को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज बन जाएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ, इसको कनेक्ट करो तो ये देखो इसके अंदर जो है ना ये क्लोज्ड बन गया, इस कारण से मैं ई जी ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। बी डी, बी और डी को भी कनेक्ट करोगे तो एज क्लोज बन जाएगा, सी एच, सी और एच को भी करोगे तो क्लोज बन जाएगा, यानी ये है इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मैंने कैसा कनेक्शन किया है इस डायग्राम में अगर देखो तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये है एच और जी को कनेक्ट किया, ई और एफ को कनेक्ट किया और ए और ई को कनेक्ट किया, ये है हमारा कनेक्शन, ठीक है। इसकी कॉस्ट फाइनल कितनी निकलेगी सबको सम करो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 13 और एक 14, इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 14। आप कोई और स्पैनिंग ट्री दूसरा बना सकते हो लेकिन उसकी कोई भी कॉस्ट जो है 14 से कम वाली नहीं बनेगी, सब 14 से ज्यादा वाली ही बनेगी। तो इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा, ये वाला है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में ऐड बता दिया लेकिन आपको ये हर बार अलग अलग बनाना है, जितने एज ऐड करोगे उतने नए ग्राफ बनेंगे, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, ऊपर बहुत सारे ग्राफ मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, अपने मन से एक वेट पुट कर लेना उसमें, ठीक है। जैसे इस वाले में अपने मन से एक वेट पुट कर लिया और उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आप उसी इस ग्राफ में थोड़ा चेंजेस करके दूसरे स्पैनिंग ट्री भी फाइंड आउट कर लेना, उसकी कॉस्ट और मिनिमम वाले की कॉस्ट को मैच करना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट हमेशा कम होगी, ठीक है। क्रूस्कल एल्गोरिदम यहीं तक था, इसमें और भी हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे लेकिन कल देखेंगे। दूसरा मेथड है प्रिंस एल्गोरिदम, आप इसको पढ़ के आओ, क्रूस्कल और प्रिंस में क्या डिफरेंस होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कल देखेंगे क्रूस्कल एल्गोरिदम को, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। मैं सर, ये जो आप वेट